गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग तीन जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका सेवेंथ चैप्टर यानी पाठ सात, सातवां पाठ जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ का जो नाम है बच्चों क्या है, क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है बच्चों, और इस निबंध को लिखा किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने लिखा इस निबंध को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जैसे कि हमारे पाठ का नाम है कि क्या निराश हुआ जाए, तो ये पाठ जो एक निबंध है ये इसी वाक्य के ऊपर लिखा गया है कि आज की जो स्थिति है, आज की जो हमारी आज जो समय चल रहा है, आप देखते होंगे समाचार पत्रों पर में, टेलीविज़न में, आप जहाँ भी खबरें अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह मारपीट, लूट खसोट, डकैती, चोरी, अपहरण, ऐसी खबरें ज़्यादा होती हैं। अच्छी खबरें बहुत कम आपको सुनने को मिलती हैं। आप जब भी न्यूज़ चैनल पे, आप जब भी समाचार देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर, या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, आपने ये सब पढ़ देखा ही होगा कि जब भी सबसे फ्रंट से यही शुरू हो जाता है कि मतलब बुराइयों की खबरें ज़्यादा होती हैं और अच्छाइयों की खबरें कम मिलती हैं उन समाचार पत्रों में। तो इसी को लेकर ये हमारा आज का पाठ है, निबंध है, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या इन सब बातों को सुनकर हमें निराश होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आशा की किरण तो हमेशा जलती ही रहनी चाहिए। हमें हमेशा आशावादी रहना है, निराशावादी हमें नहीं रहना है जीवन में। जीवन में हमेशा हमें आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज में बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। और हमें ये नहीं है कि हमेशा बुराई ही मिलती है। आप देखना, आपके साथ ऐसा नहीं है बुरे ही लोग आपके साथ सामने आएंगे, नहीं, अच्छे लोग भी हमारे जीवन में आते हैं जो हमें ये बता जाते हैं कि नहीं, दुनिया में बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो चलो आज पाठ शुरू करती हूँ मैं कि आजकल मतलब आजकल क्या है कि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो लेखक लिख रहा है, यहाँ पे लेखक बताता है कि अगर समाचार पत्रों को पढ़ो तो उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, अपहरण, यही सारे भ्रष्टाचार के समाचार हमें मिलते हैं, और कोई समाचार नहीं होता, सिर्फ यही समाचार पढ़ने को मिलते हैं, और इन्हीं से भरा रहता है पूरा समाचार पत्र। ज़्यादातर जो बहुलता होती है, मतलब ज़्यादा तो अधिक मात्रा में खबरें होती हैं, वो यही होती हैं। राजनीति की तो कुछ ही खबरें मिलेंगी, कुछ खेल जगत की मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा खबरें इन्हीं सब बातों की होती हैं। तो ये देखकर लेखक का मन दुखी होता है। क्या होता है, ये सब देखकर लेखक का मन बहुत दुखी होता है। जब वो समाचार पत्रों को पढ़ता है तो उसका मन दुखी होने लगता है। ऐसे तो हम अगर देखें तो हर आदमी में गुणी कम दोषी अधिक दिखता है। अगर इस नज़रिए से हम किसी इंसान को देखेंगे तो वो इंसान आपको गुणी कम, यानी उसके अंदर हमें गुण कम नज़र आएंगे और उसके अंदर अवगुण अधिक नज़र आएंगे। क्या कि हमें उसके दोष ज़्यादा दिखाई देंगे। और इंसान का स्वभाव भी ऐसा ही है, वो लोगों के दोषों को ज़्यादा देखता है, उसके गुणों को कम देखता है। अगर हम आदमी के गुण को पहचाने तो हम उसके दोषों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारा स्वभाव ही है कि हम लोगों के गुणों को ना पहचान कर उसके दोषों को जल्दी पहचानते हैं, और उन्हीं को जल्दी उन पर जल्दी अमल हम शुरू करते हैं। क्योंकि दोष आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो किसी के, लेकिन आप उसके गुण को भी तो देखो। अगर इंसान में अच्छाई बुराई है तो अच्छाई भी तो होती है हर इंसान में कोई ना कोई। तो हर इंसान अच्छाई और बुराई दोनों तरह के लोग होते हैं दुनिया में। अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी इस दुनिया में नहीं है। तो ये देखकर लेखक का मन बहुत दुखी होता है, और वो कह रहा है कि ऊंचे पद पर लगता है कि देश का कोई ईमानदार रह ही नहीं गया है। जब हम समाचार पत्र देखते हैं और उसमें हम राजनेताओं के बारे में सुने, या कोई खेल मतलब कोई भी उसमें समाचार पत्र में खबरें आती हैं, तो उनको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि गुणी लोग तो दुनिया में ख़त्म ही हो गए हैं, कौन बचे हैं, केवल दोष मतलब बुरे लोग ही दुनिया में रह गए हैं, अच्छे लोगों की तो जैसे दुनिया में कमी सी हो गई है। ऐसा ही मिलता है जितनी बार भी हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, हमारे मन में यही ख्याल आता है। और दोषों को इतना बढ़ा चढ़ा कर समाचार पत्रों में दिखाते हैं कि हमारी जो पूरी तरह से हम ये मान बैठते हैं, चाहे वो इंसान दोषी ना हो, लेकिन खबरों को इस तरह दिया जाता है कि हमें और हमारे जहन में ये बात बैठ जाती है कि नहीं, यही इंसान दोषी है। तो ये सब देखकर लेखक का मन दुखी होता है। वो कहता है कि उसके सारे गुण छिप जाते हैं उन दोषों के सामने, जो
जब उसके दोष सामने आते हैं उनके सामने उसके सारे गुण छिप जाते हैं, क्योंकि उसके दोष ही दोष को जब हम उजागर करेंगे तो किसी इंसान के गुण तो दब के रह जाएंगे, क्योंकि हम क्या सुन रहे हैं समाचार पत्रों में और खबरों में, उसके दोष ही सुन रहे हैं। तो वो यही कह रहा है कि ये एक चिंता का विषय भी है, ये एक चिंता का विषय भी है कि तुम इंसान की कमियां ही निकाल रहे हो। जैसे दुनिया में अच्छे लोग तो बचे नहीं, बुरी खबरें सारी दोगे खराब, तो अच्छी खबरें कहाँ, अच्छी खबरें तो आनी ही बंद हो जाएंगी, तो लोगों का अच्छाई से विश्वास उठने लगेगा धीरे धीरे। तो ये एक चिंता का विषय भी है आज के समय में। तो क्योंकि इस बात पे निबंध लिखा गया है ना, इसी बात को लेकर निबंध लिखा है हमारे लेखक ने कि ये एक चिंता का विषय भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको इस बात को देख के बहुत चिंता भी हो रही है लेखक को। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं, जो हमारी भारत भूमि है उस पर एक से एक ऋषि मुनि, एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं। मनीषी यानी एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि यहाँ बुरे ही लोग हैं, हमारी भारत भूमि तो विद्वानों से भरी पड़ी है। तो वो कहता है ये मानव समूह महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छाई की कमी हो गई है, क्योंकि हमारे भारत देश में अच्छाई की कोई कमी नहीं है। और ऐसा नहीं कि महासागर सूख चुका है, इसका मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अच्छाई बची ही नहीं है। क्योंकि यहाँ भिन्न विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, और आपने देखा होगा किस तरह भिन्न भिन्न जातियों के संस्कृतियों का एक साथ मेल हमारी भारत भूमि पर दिखाई देता है। हमारी जो भारत की भूमि है वो संस्कृति, उसे बहुत सारी संस्कृतियों का मेल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी भारत की भूमि ऐसी है, हर राज्य की अलग संस्कृति है, और वो कैसे एक साथ मिलके रहते हैं हर राज्य के अंदर, वो हमारे भारत में देखने को मिलता है कि जातीय रूपी बूंदें मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती हैं। हर जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और उन्हीं के मिलजुल कर रहने से कैसे एक बहुत बड़ी संस्कृति का एक बहुत बड़ी संस्कृति जन्म लेती है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो बहुत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, और इसमें आपने देखा भी होगा हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन लोग किस तरह मिलजुल कर सब त्यौहार मनाते हैं, एक साथ रहते हैं, खुशी खुशी एक दूसरों के त्यौहारों में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कि खाली बुरी बातें ही हैं, अच्छाई भी है, हमारा देश है। तो लेखक यहाँ यही बता रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है वो महासागर सूखा नहीं, उसमें ये सब है, आज भी विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, लोग रहते हैं एक साथ। हाँ, आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बन गया है, ऐसा कुछ बन गया आज के समय का माहौल कि हमें यही सब दिखाई देता है, वो अच्छाई कहीं दिखाई नहीं देती, हर समय बस यही बुरी खबरें ये सभी हमें दिखाई देता है कि परिश्रमी और भोले वाले परेशान हैं तथा फरेब और व्यापार करने वाले उन्नति कर रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यही पता चलता है और हमारे मन में यही बातें आती हैं कि भाई ईमानदार लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है, और जो फरेब यानी जो गलत काम करते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो विकास करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन उनको फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ लेखक ये बताते हैं इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत और बेबसी, मेहनत आदि यहाँ पर क्या क्या, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत आदि बेबसी बनकर रह गए हैं। मतलब उनकी बेबसी, मतलब मेहनती इंसान, सच्चाई पर की राह पर चलने वाला इंसान, और एक मेहनत कश इंसान जो मेहनत करके अपना काम करता, मेहनत करता है रात दिन, वो एक बेबसी में बंद से बंद कर रह गया है, उसके पास कुछ नहीं है। और जो फरेब करते हैं और जो गलत काम करते हैं वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा आज का माहौल बन गया है, वातावरण बन गया है। इससे जीवन के मानवीय मूल्य, मतलब हमारे जीवन के जो मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्य क्या, सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी, ये हमारे मूल्य हैं, हमारे गुण हैं, ये हमारे मूल्य हैं, हमारे किसी के साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं ना, सच्चाई ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके प्रति लोगों की आस्था विचलित हो गई है। विचलित हो जाना, लोग इस चीज़ से अब अलग हटने लगे, विचलित मतलब उनको बेचैनी इस बात की होने लगी है कि ईमानदारी से कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, जो एक चिंता का विषय भी है। क्योंकि हमारे मन में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि जो सच्चाई और ईमानदारी के पद पे चलता है उसको कुछ नहीं मिलता, वो बेबस है, और जो फरेब करते हैं, गलत काम करते हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आज का वातावरण हमें यही सब दिखाता है, तो हम उससे गलत सोच की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अच्छाई कभी दबकर रह जाती है, और जो गलत काम करने वालों की छाप है
वो हमारे मस्तिष्क में बैठने लगती है, लेकिन हम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत इस सब को सोचते हैं कि इससे तो कुछ मिलने मिलाने वाला है नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्योंकि जब हम मेहनत सच्चाई के पथ पर चलते हैं और मेहनत करते हैं हम और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ होता है जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं। तो यहाँ लेखक यही बता रहा है कि जो हमारा भारत देश है वहाँ भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता भौतिक चीज़ों को, कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें तो आप बहुत सुखी हो। नहीं, सुख और खुशियाँ किससे मिलती हैं? हमारे मन के संतोष से, हमारे ईमानदारी से, हमारी मेहनत से, उससे हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। हर व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे हैं। यहाँ पर क्या है, आंतरिक भावों को विशेष महत्व दिया जाता है कि आदमी मन से कैसा है। हर इंसान के अंदर प्रेम भी होता है, क्रोध भी होता है, मोह भी होता है, सब कुछ होता है, तो लोभ भी होता है कि वो हर चीज़ इंसान के मन के अंदर होती है, लेकिन वो किसको उजागर करता है वो उसके ऊपर होता है। तो आज की क्लास में बच्चों इस पाठ के निबंध से मैं इतना ही समझाऊंगी, इससे अगली क्लास में इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे, जो हमें लेखक समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि बुरी ही है दुनिया, दुनिया बहुत अच्छी भी है, हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो अगली क्लास में इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना ही। बहुत अच्छा सा निबंध है जो हमारे लेखक ने लिखा है। बाय बाय बच्चों।